आज दिनांक 22 जुलाई 2021 वर्ग प्रथम से दसम वर्ग तक विषय गीता पाठ संस्कृत अध्याय 2 श्लोक नंबर 51 पढ़ाई होने जा रही है। बच्चों आप लोग ध्यान देंगे और ध्यान से सुनेंगे, पवित्र भाव से सुनेंगे। श्लोक हम शुरू करते हैं। कर्मजम बुद्धियुक्तां हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिमुक्ता पदं गच्छन्त्यं नामयम्। एक बार आप सुने बच्चों। कर्मजनम बुद्धियुक्तं हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विधि विनिमुक्ता पदम गच्छन्तम नामयम्। प्यारे बच्चों, भगवान श्री कृष्ण की यह अमृत वाणी है। आप लोग पवित्र भाव से इसको सुनिए, पवित्र मन से इसका श्रवण करें। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे परम तप अर्जुन, अर्जुन संबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन्म कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाता है। आप लोगों को कल ही बताए थे बच्चों कि जो संबुद्धि वाले होते हैं, जो समर्थ रूप योग में लग जाते हैं और समर्थ रूप योग ही कर्मों की में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। कहने का मतलब है बच्चों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि अर्जुन संबुद्धि युक्त मतलब होता है कि भगवान के प्रति भगवान को आस्था में रखकर कोई काम करो जो कर्मनिष्ठ हो। वैसा काम करने से सभी कामों में सफलता मिलती है। अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। वे साफ साफ कहते हैं जो संबुद्धि से युक्त ज्ञानी होते हैं, जन्म कर्म से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से जो मुक्त हो जाता है वह निर्विकार परम पद प्राप्त करता है। इसलिए आप लोग गीता पाठ को पवित्र भाव से सुनिए, पवित्र मन से श्रवण कीजिए और लोगों को सुनाइए। यह आप लोगों के लिए बहुत ही गीता पाठ जो है चरित्रवान बनाने के लिए चरित्रवान बनाता है। और यदि आप सच्चे हृदय से आप तेरी प्रार्थना भव गीता पाठ यदि आप प्रतिदिन एक श्लोक पढ़ते हैं तो आपकी पढ़ाई में भी देखिएगा कि आपकी पढ़ाई सरल हो जाएगी। आप जो भी की कुछ याद करेंगे अपने आप याद हो जाएगा, लेकिन कर्मनिष्ठ रहना पड़ेगा बच्चों। भगवान के प्रति आस्था रखते हुए अपने कर्मनिष्ठ मतलब अपने काम में जो है जो काम में एकदम लगन रहना चाहिए, जिज्ञासा रहना चाहिए। आप भगवान की भक्ति मानकर काम कीजिए, खूब परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए, भगवान अवश्य सफलता प्रदान करेंगे।